समय हम उस स्थान पर खड़े हैं जिस स्थान पर धीरू भाई अंबानी उस गलियों में यार्न बेचते बेचते उस स्थान पर पहुंचे, और आज द यार्न मर्चेंट एसोसिएशन एक्सचेंज लिमिटेड के अध्यक्ष जयेश जी पाठक हमारे साथ हैं। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अरविंद सावंत को कैंपेनिंग में यहाँ पर आए थे वो, और उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा था कि व्यापारी समुदाय आपके साथ सदैव रहेगा क्योंकि आप व्यापारियों के हित की बात करेंगे, व्यापारियों के हित को ध्यान में रखेंगे। लेकिन आज पुनः वो मंत्री बनने के बाद में जीत करके यहाँ से साउथ मुंबई से गए, और मंत्री बनने के बाद पहली बार पुनः वापस धन्यवाद देने के लिए इस स्थान पर आए। जय जी पाठक, क्या लगा आपको? अरविंद जी सावंत के साथ हमारी दोस्ती है, और जब भी उन्होंने वहाँ से एमपी के लिए शिवसेना की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में रह के उनको उम्मीदवारी मिली थी, तभी मुझे बताया था कि यान मार्केट का पूरा सपोर्ट चाहिएगा। मैं बोला डेफिनेटली आप आके हमें अपील करेंगे तो डेफिनेटली यान मार्केट के व्यापारी आपके साथ रहेंगे। और 25 अप्रैल को हमारे पास आए थे और 29 अप्रैल को मेरे ख्याल से चुनाव था, तो उनको काफ़ी हमने बोला कि हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन लोग बोलते हैं कि आपके साथ मिलना उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद पॉसिबल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि जयेश पाठक कभी भी आप अपने, मुझे उनका फ़ोन मेरे पास है, उनका मेल आईडी है मेरे पास है, मैंने उनको फ़ोन पे काफ़ी बार बात किया, जाने के टाइम भी ऑल द बेस्ट बोला था, तो बाद में वो जीते यहाँ से, अच्छे मार्जिन से जीते, और उसके बाद उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया सेंटर से, और हैवी इंडस्ट्री उनको अंडर में दी और पब्लिक एंटरप्राइज दिया हुआ है। उन्होंने बोला कि व्यापारी की जो भी समस्या है वो आप हमारे तरफ लाइए, चाहे कोई भी मिनिस्टर के अंडर में, हमारे अंडर में हमारी, हम लोग फॉलो होते हैं टेक्सटाइल पे, जो हमारी मिनिस्टर है स्मृति नारी जी है, तो मैंने अभी जाते जाते उनको बोला कि सर कभी भी आपको कोई भी हमारे नोटिफिकेशन के, हमारे ट्रेड सर्कुलर की कोई चीज़ की हमें मालूम पड़े, हमारे सजेशन लिया जाएगा, तो बोले मुझे लिख के दे दो। लिफ्ट में भी मेरी उसके साथ बात हुई कि छोटे व्यापारियों को किस तरह हमें आगे बढ़ाना है, तो बोले बहुत अच्छा सजेशन है, आप हमेशा मेरे को लिख के रहिए और कभी भी जरूर आई एम देयर अवेलेबल फॉर यू डायरेक्टली, नो वरी। जैसा कि आप जानते हैं दक्षिण मुंबई से शिवसेना के लोकप्रिय सांसद अरविंद जी सावंत 1 लाख से भी अधिक मतों से, या ये कह सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करके दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में वो सफलता मिली कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाए गए हेवी इंडस्ट्री। सर आज ये आप यहाँ पधारे हो यान मार्केट में, इससे पहले आप पधारे थे और यान मार्केट के व्यापारियों ने कहा था कि अरविंद जी सावंत हम आपके साथ है, और आज पुनः आप मंत्री बनकर के पधारे हो, तो इन सारे व्यापारियों को क्या उद्बोधन देंगे? पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी जीत को सर्जिकल स्ट्राइक कहा, और सही माने में वो सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक किसे कहते हैं? एंटिसिपेशन नहीं होता, तो मेरा सभी का एंटिसिपेशन क्या, मैं हार जाऊंगा, घुसकर मारकर जीत कर आया हूँ। सर एक सर्जिकल स्ट्राइक, और आपने ये शब्द उसका उच्चारण किया, इसके लिए मैं धन्यवाद। मैं ऑलवेज आपके लिए नया शब्द, नई डिक्शनरी लाता हूँ, आप जानते हो सर कि आप मुझे मित्र समझते हैं, इसलिए नंबर एक। नंबर दो, उसमें जब मंत्री बने सर, आप केंद्रीय मंत्री बने, तो मोदी जी ने आपको कौन सा वाक्य पहले कहा, ये जानना चाहता है। मुझे इतना ही कहा, पीठ पर थाप मारे, मुझे पुकारा, काय सावन मराठीत बोलले, मराठी बोलले, काय सावन कसं काय चाललंय, म्हणलं चांगलं चाललंय, मी म्हटलं मला मदत करायची, मला काम करायचंय, मला आशीर्वाद पाहिजे, कर तू लवकर जो कुछ करना है कर, मैं तेरे को साथ हूँ, ये उन्होंने मोदी साहब ने मुझे बताया, मैं साथ में हूँ। आज मैं खुश इसलिए हूँ कि ये जो पाठक जी है, यान मार्केट के सारे हमें बुजुर्ग हमारे दोस्त लोग हैं, मैं बहुत सालों से आता रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं कि कभी आया नहीं था। पिछले चुनाव में भी यहाँ एक मीटिंग हुई थी, पाठक जी इनिशिएटिव लेकर सबको बुलाए थे, आने वाले लोगों के मन में कुछ थी शंकाएं, और बाहर सब कुशंकाएं थी, यहाँ शंकाएं थी वहाँ कुशंकाएं थी, वो दोनों को तोड़कर, ये इनका, इनकी खासियत क्या मालूम है ना, यान मतलब क्या होता है, दोरा होता है, आपने वही बात उसी समय कही थी, हाँ वो जोड़कर फिर कपड़ा बनता है, इन्होंने मेरा बराबर कपड़ा बना के सिला के भेजा मुझे ऊपर मंत्री का कपड़ा बना के। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे।